हे एवरीवन, आज हम कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे, फिर इसका पर्पस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स की कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुई है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो देखेंगे, और कुछ इसके अंडर ही आने वाले ऐसे मेन आर्टिकल्स जैसे कि आर्टिकल 41, 45 और 46, ठीक है? तो इसको देखेंगे, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं क्या, ये मेंशन हुए हैं कहाँ पे? फोर्थ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमें पता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है, उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट के अंदर आते हैं। और कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 36 to 51, ठीक है? ये सारे आर्टिकल्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है? तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने इन्हें नॉवल फीचर्स भी कहा, कि ये नए फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसके अलावा जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये नॉन जस्टिसेबल है, मीन्स ये कोई कानून नहीं है या कोई लीगल आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन इसके आधार से लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, लॉज बनाए जा सकते हैं, पर ये अपने आप में कोई लॉ नहीं है। मतलब इनको मद्देनज़र रखते हुए, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखकर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते या किसी को जेल में बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको उठाकर हर, मतलब आप जजमेंट दे सकते हो, जिनको उठाकर आप लॉज आगे बना सकते हो, ठीक है? तो ये क्या एक फंडामेंटल है, लेकिन नो, कोई लीगल फोर्स नहीं है इसमें। जितनी भी एजेंसीज हैं जो गवर्न करती हैं हमारी कंट्री को, वो इन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स को अपना आधार मानती हैं, इसके आधार पर ही वो जजमेंट्स देती हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसको लॉज और पॉलिसीज़ बनाने के अंदर, ठीक है? लॉज और पॉलिसीज़ बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब हमारे पास पर्पस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का? सबसे पहले गाइडिंग प्रिंसिपल, जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि जितने भी लॉज बनाने और पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है, वो सब जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल आधारित होती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई जाती हैं। फिर है हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, जैसे कि वीकर सेक्शंस है, ठीक है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, ताकि उनको लेकर आगे कानून बनाए जा सके। फिर है हमारे पास और प्रोटेक्शन, जैसे कि फॉरेस्ट है, हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन और डैमेज को बचाने के लिए आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ठीक है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे गए हैं। फिर हमारे पास वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए, कि उनका आगे कैसे प्रमोशन किया जा सके, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। फिर है रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है, आपस में जो भेदभाव होता है, इक्वल वर्क नहीं मिलता वीमेन और मेंस के बीच में, जो भेदभाव होता है स्टेटस के अंदर, जो भेदभाव होता है उसको कम करने के लिए भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो लिखे गए हैं। फिर है प्रमोशन एंड मेंटेन द पीस एंड द सिक्योरिटी, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ है, एक्सप्लॉयटेशंस हैं, ठीक है, और कोई भी डिसेबल है पीपल या ओल्ड है, सिक है, उसको असिस्टेंस देनी है या मेंटेन करनी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। तो जहाँ पे भी पीस और सिक्योरिटी की बात आती है, तो उनके लिए भी स्पेशली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गाइडलाइंस जो है वो मेंशनड है, ठीक है? तो ये सारे चीज़ों के लिए हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हेल्पफुल करते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की? तो ये एक तरह से लाइट हाउस है, जैसे अंधेरे में लाइट हाउस काम करता है, ऐसे समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनमें आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो लिखे गए हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, वो एक लाइट हाउस की तरह काम कर रहे हैं। तो स्टेट और गवर्नमेंट को इसको बहुत ऑनेस्टली से यूज़ करना चाहिए, अगर वो करें तो हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। फिर है प्रिंसिपल्स जो हैं कैन बी फोस्टर नेशनल कोहेजन, कोहेजन जो है एकजुटता, ठीक है, नेशनल जो यूनिटी है उसको प्रमोट किया जा सकता है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हेल्प से। फिर है जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक मॉरल वैल्यूज़ की तरह हैं, मॉरल जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉमन जो एक इंसान है उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, स्टेट को गाइड करता है कि कैसे एक कॉमन जो इंसान है उसके लिए काम करना है, वर्क करना है। फिर जो है ये कोर्ट के लिए एक बैकबोन की तरह है, जो कोर्ट है वो भी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख के अपनी जजमेंट्स करते हैं, ठीक है, डिलीवर करते हैं। फिर है हमारे दी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग दी कंट्री शुड बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स, ठीक है, जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी कंट्री के अंदर जो कि गवर्न कर रही हैं कंट्री को, चला रही हैं देश को, उन सबको भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स का सहारा लेना चाहिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको, उनके द्वारा गाइड किया जाना चाहिए। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल सपोर्ट टू पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, जैसे कि स्टेट और गवर्नमेंट भी इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है, तो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है उसमें पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको आगे रखा गया है, कि उसको जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इसके अंदर हमारे पास आर्टिकल 36 से 51
जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आ जाते हैं, और फिर आगे फर्दर ये जो आर्टिकल्स हैं इनको थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हो गए, गांधीयन प्रिंसिपल्स हो गए और लिबरल प्रिंसिपल्स हो गए। तो ये कैसे डिवाइड किए गए और इसमें कैसे कैसे आर्टिकल्स आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट जो डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, जो डायरेक्टिव है उनमें वो सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, इक्वल फंडामेंटल राइट, इक्वल वर्क और इक्वल एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 41 है, 43 है, तो एक्सेट्रा, ऐसे ये सीरीज़ में नहीं है, ठीक है, अलग अलग करके हैं। तो ये सारे जो कि इन चीज़ों की बात करते हैं वो सारे आर्टिकल को इसके अंदर रखा गया है। फिर हमारे पास जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर किन बातों को रखा गया है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर आ जाते हैं। एक्टिव के अंदर हमारे पास आ जाते हैं गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, और प्रोहिबिट करना है कोई भी ड्रिंक्स को, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर, जैसे कि 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया। फिर हमारे पास लिबरल प्रिंसिपल्स, इसमें वो सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि कानून की बात करते हैं, जिस कानून फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे यूनियन सिविल कोड है थ्रू आउट द कंट्री एंड द जो लेजिस्लेशन होते हैं, ठीक है, जो भी कानून बनने हैं, तो वो सारे जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं जो कि इक्वलिटी की भी बात करते हैं, तो ये आर्टिकल जो इसमें आ जाते हैं, जैसे 45 हो गया, 48 हो गया। तो अब हम ये तीनों जो हमारे पास कैटेगरीज हैं इसके वन वन एग्जाम्पल को समझेंगे, जैसे आर्टिकल 41, 45 और 46। जैसे कि 46 जो है वो इसके अंदर आ जाता है गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर, ठीक है, तो इसको देखेंगे। और 48 जो हमारे पास है वो 45 जो है वो लिबरल प्रिंसिपल्स में आ जाता है, तो इसको देखेंगे। और हम आर्टिकल 41 है वो आ जाता है सोशलिस्ट डायरेक्टिव में, तो इसको देखेंगे। तो सबका एक एक एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं। अब सबसे पहले आर्टिकल 41, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 जितनी भी हमारे पास वर्क है, एजुकेशन है, उसको सिक्योर करना, पब्लिक असिस्टेंस देना लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिक हैं, तो ये जो है सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आर्टिकल 41 के अंदर। फिर आर्टिकल 45 जो है वो बात करता है इक्वल एजुकेशन की, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, तो जो स्टेट है वो शल एंड वर टू प्रोवाइड विद इन द 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट, मतलब प्रारंभ के जो हमारे पास शुरुआत के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेके जो 10 ईयर्स हैं तब तक जो है इसको जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है इसको कंप्लीट कर देना अप टू द एज ऑफ द 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। फिर है हमारे पास आर्टिकल 46, ये जो है बात करता है इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, इक्वल मतलब राइट्स के ऊपर, जो वीकर सेक्शन है स्पेशली उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पेशली जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ठीक है, उनके लिए कानून बनाना, सोशल जस्टिस करना है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, तो इसके लिए स्पेशल जो है कानून बनाए जाएँ, ठीक है। तो ये 46 आर्टिकल है हमारा। वैसे तो ये आर्टिकल हमें एग्जैक्टली वैसे ही लिखने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाओ तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि मेन मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कोई गलत नहीं करता। हो सकता है कि कोई एक आधा मार्क्स काट ले, अदरवाइज़ कोई गलत नहीं करेगा, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।